की हमारी लोकेशन है वो है फिंगर लिकर्स। हम आए हैं आज द्वारका एंड ये फेमस है मुंबई की स्पेशल पाव भाजी, वड़ा पाव, तवा पुलाव, दावेली, जो आप लोगों ने खाई होगी यहाँ पर मिलती है मुंबई की स्पेशल स्पेशल डिशेस। तो आइए वीडियो में बने रहे एंड तक, मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके प्राइजेस क्या हैं एंड साथ के साथ लोकेशन अच्छे से सारी लोकेशन बताऊंगी एंड बाकी आपको पूरी मेकिंग दिखाऊंगी इसमें वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहे हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, तो आ गए हम एक नई वीडियो के साथ। आज हम आए हैं द्वारका जो कि है सेक्टर 11 में। भैया क्या बना रहे हो आप? वड़ा पाव। नाम बताया मुझे। अच्छा भैया, फास्ट फास्ट जल्दी से वड़ा पाव बनाते हुए। भैया बड़ी स्पीड में बना रहे हो आप, वाह। एक बार हाय बोल दो भैया। हाय। ऑर्डर करने वाले पे लड़के कम थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। मैटर में एडिट कर, आज ही डाल देगा। और जा रहा बटर हम भाई जा रहा। ये है अपना बटर बन रहा है, तो मटर तो हमारा है। ये पेस्ट है, धनिया पाउडर, ये अपना नमक चला इससे यार। ये आने का भाई अब ऐसे ही हमारे चावल जा रहे हैं पहले हल्दी पीले कलर वाला। ये अपनी चल चला गया गाइस। पैटर्न क्या पड़ती है? तो गाइस देखो क्या इसके साथ यहां इधर के गाइस चली गई। सो गाइस ये रहे हमारे तवा पुलाव एंड इसे हम पहले टेस्ट करके बताते हैं कि टेस्ट में कैसा है। सो ये रही हमारी हरी हरी चटनी, वाह। इसको इसमें मिक्स करते हुए एंड साथ में थोड़ी सी अनियन, पूरा टेस्ट बढ़ाएंगे इसका। और एक बाइट लेते हैं इसकी। बहुत बढ़िया। लाइक जब मैंने आपको मेकिंग दिखाई थी, आपको इससे पहले मैंने मेकिंग दिखाई होगी इसकी, उस टाइम आपने देखा होगा कि भैया ने इसमें सारे मसाले डाले थे। तो जो मसाले इन्होंने डाले हैं ना, उसका एक एक बाइट में टेस्ट आ रहा है। लाइक इतने सारे गरम मसाले हैं, साथ में उन्होंने जो कश्मीरी मिर्च यूज़ करी है, ये आपको रेड रेड दिख रहा है बट इसमें इन्होंने कश्मीरी मिर्च यूज़ करी है ताकि ये थोड़ा कलर इसका अच्छा निखर कर आए। मुझे ये टेस्ट में बहुत अच्छा लगा है। मैं तो 5 में से 4 देना चाहूँगी मार्क्स अगर मैं दूँ तो। एंड अब हम टेस्ट करते हैं कि दाबेली। तो गाइस जो लोग मुंबई से हैं ना, वो लोग जानते होंगे कि दाबेली लाइक ये जो है गुजरात की फेमस डिश है। तो मुंबई के नियर बाय गुजरात, तो दोनों चीज़ें टेस्ट करना बनता है। तो इसकी आप फिलिंग देखो अंदर, इन्होंने कितना डिलीशियस इसकी फिलिंग की हुई है। जहाँ तक कि मुझे पता है दाबेली के बारे में, थोड़ी सी टेस्ट में स्वीट होती है ये। एंड अब इसे टेस्ट करके देखते हैं। मैं इसे ना बिना किसी भी लाइक दोनों में से किसी चटनी के साथ नहीं टेस्ट कर रही हूँ, ऐसे टेस्ट करके बता दी क्योंकि मुझे लगता है ऐसे ज़्यादा सही टेस्ट आएगा। इसको टेस्ट कर, डैम स्वीट एंड टेंगी टेस्ट है इसका। जो ऊपर से इन्होंने ये मूंगफली डाली है ना, बहुत क्रंची क्रंची टेस्ट दे रही है इसके साथ। लव्ड इट गाइस, लव्ड इट। इसे मैम 5 में से 4 दूंगी इसे भी। ये टेस्ट में बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बाकी अभी इनकी मैंने और भी चीज़ें ऑर्डर करी है, वो मैं ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ जो तो टेस्ट करें। अभी अभी भैया ने बिल्कुल गरम गरम पाव भाजी हमें लगा कर दी है और देखो बटर अभी भी देखो इसमें किस तरीके से मेल्ट हो रहा है अच्छे तरीके से। हुई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड साथ में क्योंकि ये तो मुंबई की फेमस जगह है एंड यहाँ पर हम सारा मुंबई की चीज़ें ट्राई करने आए हैं, मुंबई का स्ट्रीट फूड ट्राई करने आए हैं, तो मुंबई का स्ट्रीट फूड ट्राई करने आए और पाव भाजी ट्राई ना करें तो ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो अभी हम ट्राई करते हैं इनकी पाव भाजी एंड बताते हैं कि टेस्ट में कैसी है। इससे पहले मैंने आपको इसकी भी मेकिंग दिखाई है,
तो बाकी तो आप लोगों ने उसमें देख ही लिया होगा इसका पूरा प्रोसेस कि ये बनी कैसे थी, बट अब हम इसे करते हैं टेस्ट एंड इसकी रेटिंग बता देंगे टेस्ट में कैसे है। देख रहे हो दिल्ली में मुंबई का स्वाद बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गाइस टेस्ट में एक नंबर है, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। मैं मुंबई गई हूँ, मैंने मुंबई का भी पाव भाजी खाई है एंड सच में ये बिल्कुल सेम है, टेस्ट में बिल्कुल सेम है। बहुत अच्छे से 5 out of 5 दूंगी क्योंकि मुझे ये सच में बहुत अच्छी लगी है। तो बाकी की चीज़ें टेस्ट करते हैं, बताते हैं कि वो टेस्ट में कैसे है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना क्योंकि अभी और बहुत कुछ बाकी है वीडियो में। तो चलो मुझे इनका चाइनीज़ भी बहुत फेमस है तो मैंने सोचा चलो चाइनीज़ भी ट्राई करते हैं। तो हमने ऑर्डर किया है इनके नूडल्स, शेजवान नूडल्स एंड मंचूरियन, पनीर मंचूरियन, चिली पनीर मंचूरियन, आई एम सो सॉरी। एंड ये हमने ऑर्डर किया है और इसे मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि इनका लाइक मुंबई स्पेशल डिशेस के साथ साथ इनका चाइनीज़ भी अच्छा है कि नहीं है। तो मैं आपको टेस्ट करके एक बार बताती हूँ। वैसे मैं ना चाइनीज़ बहुत कम खाती हूँ तो मुझे चाइनीज़ इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट ये देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है तो मैं टेस्ट कर रही हूँ। थोड़ी बड़ी वाइट नूडल्स ना टेस्ट में एक्चुअली में बहुत अच्छा लाइक बिल्कुल भी टेस्ट ना लाइक ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मसाले मिर्च वगैरह, बहुत कम मसाले, लाइक मुझे मसाले बहुत कम पसंद है एंड स्पाइसी भी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, बट ये बिल्कुल लाइक बिल्कुल परफेक्ट है, लाइक मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मैं इसको रेटिंग करना चाहूँगी, अगर मैं इसे रेटिंग दूँ तो मैं इसे 4 rating दूँगी 5 में से एंड सच में गाइस ये सच में वर्थ इट है अगर आप इसे लेते हो यहाँ पर आकर, आई लव इट। बाकी गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका है तो मैं और चीज़ें ट्राई नहीं कर सकती अभी, लेकिन अभी यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें बची हैं जो मुझे ट्राई करनी चाहिए थी, लाइक इनका विलेज पिज़्ज़ा, वो अभी तक हमने ट्राई नहीं किया है एंड साथ के साथ जो इनकी नॉर्थ इंडियन थाली है ना, लाइक मशरूम, रेशमी मशरूम, ये सब ना बहुत टेस्टी है इनका एंड पनीर लबाबदार, तो ये सब अभी मैंने टेस्ट नहीं करा बल्कि मैं भी करना चाहती थी बट अब बहुत अंधेरा हो चुका है तो मैं आपको दिखा भी नहीं पाऊँगी एंड शूट भी नहीं हो पाएगा। सो इसकी एक और वीडियो आएगी, पार्ट 2 भी आ सकता है, शायद जल्दी आ जाए। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो एंड अगर आपको इस लोकेशन पर आना हो ना तो उसका मैं आपको भी थोड़ी देर में बताती हूँ कि इस लोकेशन पर आने के लिए आपको कैसे आना पड़ेगा। सो मैं आपको मिलाती हूँ आज फिंगर लिकर्स के ओनर से। तो ये यहाँ के ओनर हैं, सर आप अपना नाम बता दो। हेलो नगमा, मायसेल्फ सचिन मेहता। ओके सर, सर आपको कितना टाइम हो गया फिंगर लिकर्स ओपन? नगमा, आई स्टार्टेड फिंगर लिकर्स बॉम्बे वाला इन द ईयर 2011। ओके एंड अभी आपकी जो नई ब्रांचेस खुलने वाली हैं वो और कहाँ कहाँ पर? एट प्रेजेंट वी आर लोकेटेड द्वारका एज वेल एज शालीमार बाग। ओके और उसके बाद मार्केट में हमारी एक नई चेन आ रही है विद द नेम ऑफ गोलूराम्स। ओके एंड इसकी टाइमिंग आप एक बार बता दो, टाइमिंग्स क्या? फिंगर लिकर्स बॉम्बे वाला की जो टाइमिंग्स हैं दैट इज 11:30 इन द मॉर्निंग, 10-11 AM फॉर ऑल द कस्टमर्स, बट ऑन स्विगी एंड जोमेटो वी आर अवेलेबल फ्रॉम 11:30 AM इन द मॉर्निंग टिल 2 AM। ओके एंड मेरा एक और क्वेश्चन था, लाइक बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि द्वारका में जैसे ये है तो द्वारका के अलावा आप इसके जो नियर बाय जो एरियाज है वहाँ पर भी जोमेटो से डिलीवर करते हो? डेफिनेटली वी हैव अ लॉन्ग डिस्टेंस एरिया कवर्ड थ्रू स्विगी एंड जोमेटो, वी आर कवर्ड विद 15 kilometers। ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई, लाइक मुंबई स्पेशल चीज़ें सारी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई एंड आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत एंड बाकी यहाँ की लोकेशन का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तब तक के लिए बाय गाइज।